तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए फंक्शंस, और वीवीए फंक्शन की कैटेगरी में हमने स्ट्रिंग फंक्शन की कैटेगरी को एक्सप्लेन किया था आपको, उसके एग्जांपल दिए थे, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम। हमने आपको एक techonthenet.com वेबसाइट का लिंक दिया था जिसमें वीवीए फंक्शन की पूरी लिस्ट थी। इसी लिस्ट में हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ फंक्शन तो हम एक्सेल के हैं, कुछ फंक्शन हमने किए भी है। जैसे कि सबसे पहले डेट, डेट फंक्शन वीवीए का फंक्शन है क्योंकि रिटर्न करता है करेंट सिस्टम डेट जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सेल में डेट फंक्शन कंबाइन करने का होता है, यहां पे डेट फंक्शन सिस्टम की करेंट डेट के लिए होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बारी आती है डेट ऐड। डेट ऐड फॉर्मूला क्या करता है कि आप जो है इसमें कोई टाइम ऑफ इंटरवल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल में हमने बताया था आपको कि मुझे एक डेट है, इस डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 3 दिन ऐड करना है, समझ गए, 2 साल 4 महीने और 30 दिन। तो इसके लिए हमने डेट फंक्शन के साथ कंबाइन करके किया था। वीवीए में चलिए इस चीज के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल्स और यहां पे फंक्शन, फंक्शन में हमने यहां पे दिया डेट। एंड एज ए डेट कॉमा ईयर कॉमा ईयर एज ए लॉन्ग और आपका एम एज ए बाइट, नहीं हाँ बाइट कॉमा और आपका डे एज ए ऑल्सो बाइट। हम बाइट क्यों लिए, क्योंकि छोटा मंथ तो 12 ही होगा ना, या 14 होगा, 20 होगा, या 25 होगा। तो जब हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपका डेट ऐड। इसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि 2 साल 4 महीने और 30 दिन, तो रिजल्ट आना चाहिए। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपका डेट ऐड का फॉर्मूला है वो एक बार में किसी एक ही पर्टिकुलर इंटरवल को ऐड करती है। यहां पे देखिए इंटरवल क्या होता है, जैसे कि हमें डेट ऐड, इसमें हमें ईयर जोड़ना है, कितना 3, किस डेट में ए, तो डेट ऐड लगाने का तरीका ए है, समझ गए। तो हमें यहां वीवीए में देना होगा, यहां पे करते हैं डिम आर एज ए रिजल्ट के लिए कर देता हूं डेट, और आर इक्वल टू हमने किया डेट ऐड, क्या ऐड करना है तो वह ईयर, किस में करना है, कितना ईयर करना है तो हमने बोल दिया वाई, किस में करना है तो हमने बोल दिया एंड में। तो पहला हमारा डेट ईयर ऐड हो जाएगा, फिर आर इक्वल टू, अब यहां पे आर हो जाएगा और यहां हो जाएगा एम और ए हो जाएगा आपका एमएम, ये तीन एक ही बारे में करना है। मतलब सर आप डेट ऐड का फंक्शन यूज करके आप वो तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करवा रहे हो, मतलब डेट ऐड इंडिविजुअली तो एक ही काम कर पाएगा, चाहे ईयर मंथ या डेट, पर आप तीनों देके एक नया फंक्शन बना रहे हो। हाँ सही कहा आप, ताकि एट ए टाइम वो सारे काम कर दे एक ही बार में। हाँ सर, सब तो समझदार हो गए। यहाँ पे डी और यहाँ पे भी डी और यार सही, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि डेट ए डी इक्वल टू आर, ठीक है सर। तो डेट ऐड फॉर्मूला आपको ईयर मंथ क्वार्टर सब ऐड करता है, बस आप एक मिनट, आर्गुमेंट नॉट, सर स्पेस दिया ब्रैकेट ये कॉमा के साथ तो चलेगा क्या, जैसे सेकंड लाइन पे जो हाइलाइटेड है।
पेस्ट तो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो गया सर। ये एन होगा क्या लास्ट में, आर में जैसे आपने दिया? नहीं 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 लास्ट में सेकंड वाला आपने, हाँ सर ये आर, वाला आर तो आर ही होगा ना, एन एन तो हमने यहाँ से लिया, उसमें हमने ईयर जोड़ करके रिजल्ट हमारा आर पे स्टोर हो गया ना, तो आप आर में मंथ ऐड करवा रहे हो। अब यहाँ आर में यहाँ पे ए रहा मंथ फाइव, अरे 2000 ये डेट है ना, इसी तरह से लेते हैं ना आपका इंटरवल नंबर्स एंड ईयर। तो ए हमारा हो गया कि मुझे इसमें से इस आर इक्वल टू डेट ऐड, मुझे एम ऐड करना है कि कितना एम, जो एम डालेंगे उतना एम ऐड करना है, और किसमें, अच्छा ये दो दो कमा हो गया, माफ कीजिएगा ये दो कमा हो गया था, एक कमा होना चाहिए ठीक है, और इसमें भी दो कमा है, गलती यहाँ हुई थी सर, क्या करे सर सुबह सुबह गलती हो गई, लग रहा है नींद नहीं खुली क्या सही से। और इसको रिजल्ट डेट फॉर्मेट में आप कर दीजिए, आ गया सर। तो आप इसमें देखिए, अगर आपको ईयर ऐड करना है तो वाई वाई दीजिए, अगर आपको क्वार्टर ऐड करना है तो क्यू दीजिए, अगर आपको मंथ ऐड करना है तो मंथ दीजिए, अगर आपको एन, एन क्या है, एन मिनट होगा आई थिंक, हाँ यहाँ पे देखिए एन मिनट है, मिनट ऐड करना है इसमें, आप मिनट भी ऐड कर सकते हैं, सेकेंड भी ऐड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे वीक भी ऐड कर सकते हैं और वीक डे भी ऐड कर सकते हैं। वीक और वीक डे में आपको पता चल गया ना, मंडे टू फ्राइडे और वीक संडे टू मंडे, राइट सर? संडे टू सैटरडे, संडे टू मंडे होगा ना, वीक संडे टू मंडे होगा ना, या मंडे टू संडे कर दीजिए, उल्टा बोल दिया मैंने, मंडे टू संडे कर दीजिए, हाँ मंडे टू, हाँ भाई ठीक है ना। तो डेट ऐड यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है डेटेड इफ, ये तो पता ही आपको, ये हमने एक्सेल में यूज किया था। डेटेड इफ क्या करता है, बिटवीन टू डेट्स के बिटवीन का इंटरवल निकालता है, जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ आपके साथ निकाला था याद होगा। तो यहाँ पे जो डेटेड इफ नहीं होता है, डेट डिफरेंस होता है। तो जैसे कि किसी का एज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए तो ऑलरेडी हम एक्सेल में करते हैं, लेकिन वीवीए में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। एक्सेल में क्या है कि मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 10th, यहाँ पे 10th जुलाई है, 10th जुलाई मान लीजिए 1987 है, और आज की डेट ए है हमारी, तो इन दोनों डेट के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डेटेड इफ, सॉरी डेटेड इफ लिस्ट फॉर्मूला में नहीं आता है, डेटेड इफ नहीं, डेट डिफरेंस होता है इसका नाम, हम लोग डेटेड इफ बोलते रहते हैं लेकिन डेट डिफरेंस होता है, डेट डीआईएफ। और इसमें हम यहाँ पे करते हैं वाई कर दीजिएगा तो ईयर निकल जाएगा, एम कर दीजिएगा, वाई एम कर दीजिएगा तो मंथ निकल जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर, बस यहाँ उल्टा हो गया है कि जो हम इंटरवल जो देते हैं कि मुझे इसमें से क्या निकालना है वो पहले देना होता है, फिर स्टार्ट डेट और उसके बाद एंड डेट, राइट सर? और इसमें भी ये आपके सीक्वेंस है कि क्वार्टर निकालना, मंथ निकालना, डेट निकालना, आवर निकालना, सेकंड निकालना, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है। अब इसमें डेट पार्ट है, अब किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आवर मिनट सेकेंड आवर सॉरी डेट मंथ ईयर डेट आवर मिनट सेकेंड निकालने के लिए आप अलग अलग फॉर्मूले हैं। डेट पार्ट क्या करता है कि डेट पार्ट आप एक ही फॉर्मूला है उसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी डेट में से मंथ निकालना है तो आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं मंथ का, तो इसमें से आपका मंथ अलग हो जाता है, आप लगाते ईयर का इसमें से ईयर अलग हो जाता है। तो जो इंटरवल निकालना है उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला तो है ही, उसके अलावा आप जो है खुद ब खुद डेट पार्ट कर सकते हो, डेट पार्ट मुझे इसमें से ईयर चार निकालना है तो ईयर दे दिया, डेट पार्ट मंथ निकालना है तो एम दे दिया, अब मंथ निकल जाएगा,
डेट पार्ट, डे निकालना है तो डे निकल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे वीक निकालना है, संडे निकालना है, मंडे निकालना है, आपका आवर निकालना है, सेकंड निकालना है, ये पूरा आप दे सकते हैं। तो डेट पार्ट फॉर्मूला आपका आता है। उसके बाद आता है डेट सीरियल। अब आपके पास याद होगा, आपको बताया था मैंने कि डेट का फॉर्मूला होता है एक्सेल में, जो कि आप बोलते हो कि भाई ईयर कितना है। मान लीजिए कि मैंने बोल दिया यहाँ पे ईयर 2019.4.8, तो ये डेट निकाल दिया आपका। तो सेम चीज यहाँ डेट सीरियल करता है कि आप दो अलग अलग डेट को यहाँ आपस में ऐड कर सकते हो डेट सीरियल की मदद से। या कि डेट सीरियल ईयर मंथ डे, क्योंकि डेट फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि डेट फॉर्मूला वीवीए में ऑलरेडी है जो कि करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है। ऐसे डेट वैल्यू वैल्यू में कन्वर्ट करता है, डे डे में करता है। फॉर्मेट हमने आपके साथ डिस्कस कर ही रखा है। आवर ऑल्सो आवर आवर निकालता है, जैसे एक्सेल फॉर्मूला, सारे एक्सेल फॉर्मूला। हाँ, इसमें एक मंथ नेम का फॉर्मूला है जो कि एक्सेल का नहीं है। और नाउ सिस्टम डेट टाइम निकालता है। मंथ मंथ नेम क्या करता है, जैसे कि आपको यहाँ किसी डेट में से मंथ अलग करना है तो आप मंथ का फॉर्मूला लगा लेंगे तो मंथ अलग हो जाएगा। लेकिन मुझे मंथ 4 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे अप्रैल चाहिए। जैसे कि आप टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो और इसमें आप कर देते हो MMMM, तो आपका मंथ आ जाता है। तो आपके पास डेट है तभी ना। लेकिन मान लीजिए आपके पास नंबर 1 मिला है जिसको जनवरी में आपको देना है, नंबर 2 मिला है उसको फरवरी में आपको करना है, तो उसके लिए वीवीए का फंक्शन होता है मंथ नेम। मंथ नेम लगाने का सिंपल तरीका है कि मंथ नेम और इसके अंदर जो नंबर डालोगे वो आपका आ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ नंबर डाल के छोड़ देते हो तो आपका आएगा फुल मंथ नेम, जैसे जनवरी पूरा लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप मंथ नेम में कॉमा दे के ट्रू करते हैं तो आएगा उसका शॉर्ट नेम, जैसे जैन जनवरी का जैन, फरवरी का फैब, मार्च का MAR, ठीक है। तो ये आपका मंथ होता है, मंथ नेम फॉर्मूला है। बाकी नाउ फॉर्मूला है, जैसे डेट सीरियल है उसे आपका टाइम सीरियल है, टाइम वैल्यू है, वीक डे जो आपका एक्सेल फॉर्मूला है वही वीक डे फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पे वीक डे नेम जस्ट लाइक मंथ डे नेम के अकॉर्डिंग आपका वीक डे नेम है, मतलब कि किसी डेट में से मैंने 1 लिखा तो वो आपका मंडे होना चाहिए, तो वो आप वीक डे नाम से निकाल सकते हैं। और लगाने का तरीका इस सिंपल है कि आपको यहाँ पे वीक डे नाम वीक डे करोगे तो अभी आप मान लीजिए वीक डे आपने कर दिया तो 3 ट्यूजडे आ गया, जबकि 2 आना चाहिए। तो ये आपको बताना पड़ता है कि आपका वीक स्टार्ट कौन कब से है। सर जैसे एक्सेल में तो हम एक तरीके से बताते थे कि हमारे वीक कब से स्टार्ट हो रहे हैं या कौन से हॉलिडे आ रहे हैं, तो इसमें कैसे बताएंगे मतलब? नहीं, वो बताने वो अलग है, नेटवर्क डेज जो बता रहे हैं ना आप। हाँ सर, एक्सेल के फॉर्मूला ही सारा कॉल होगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है। इसमें हम बात कर रहे हैं वीक डे वीक नेम का, जैसे 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूजडे, वो उसी बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर डे से ही स्टार्ट हो रहा है तो ये नहीं, डे से स्टार्ट नहीं। आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि 1 अगर 0 कर दोगे तो ये आपका यूज नेशनल जो API सेटिंग होता है उसको चलेगा। 1 करोगे तो संडे को मानेगा, 2 करोगे जो डिफॉल्ट भी होता है, 2 करोगे तो मंडे को मानेगा। ये आपको कॉमा करके करना पड़ता है, यहाँ देखिए ना। ठीक है, अच्छा मंडे, ठीक है सर। और बाकी जो एक्सेल के फॉर्मूले हैं उसको तो आप application.works से कॉल कर ही सकते हैं। ये स्पेशली वीवीए का फंक्शन है जो वीवीए में सपोर्ट होते हैं डायरेक्ट, इसके लिए आपको application.works फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो आप अभी क्या करें कि जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब फॉर्मूले का एक एक एग्जाम्पल आप बना के मुझे भेजिए। आपको अगली कैटेगरी में मैथ की और लुकअप वगैरह जो है इन सबों के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि छोटे छोटे फंक्शन है, एक ही क्लास में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे फाइल डायरेक्टरी के ऊपर।
सर एक क्वेरी थी बताइए। सर, जैसे आज की डेट है, एक बार एक्सेल खोलेंगे आप? सर मेरे यहाँ क्या होता है, मतलब जैसे मुझे चीन, जैसे आज की डेट है आपकी जी कॉलम में, थ्री में, जी थ्री में, तो मुझे इसको करना है 08/04/2019, तो क्या हो सकता है सर ये कुछ? क्या करना है आपको? सर जी थ्री में जैसे आज की डेट पड़ी हुई है, मुझे इसको करना है 08/08/04/2019। ओ आप DDMMYY जो है टेक्स्ट में लगा दीजिए ना, जो बताया था आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में। देखिए लेकिन सर वो तो फॉर्मेटिंग ही तो करेगा, मतलब मुझे फाइनल चाहिए। टेक्स्ट मतलब फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला में लगाओगे। क्या चाहिए आपको पहले? पहले क्या चाहिए? सर ये डीडी डीडी डॉट डॉट एमएम MM। वाई वाई, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत हो गया आपको? बोलो, आ गया ओके। ये आपका ओरिजिनल है, ये फॉर्मेटेड नहीं है बट टेक्स्ट फॉर्मेट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।